बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार भाटिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं कल मोहतरमा फातिमा जना साहिबा की बात कर रहा था तो उसके साथ जुड़ी हुई एक शख्सियत सामने आई जो जमात फातिमा जना ने बनाई थी, वही फिर पीर पगाड़ा साहब को मिली और उसके ताहियात सदर और फिर अब तक उन्हीं के पास वो जमात रही। पीर पगाड़ा साहब कौन है, मुस्लिम लीग फंक्शनल किसने बनाई, 1965 में फातिमा जना को इन्होंने क्या साथ दिया, उनके वालिद साहब को क्यों फांसी दी गई, इनको जला वतन क्यों किया गया और फिर इनकी कब वापसी आई और क्यों कहते हैं और इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी सूरत हाल इनके सामने रखते हैं। मजाक भी शानदार तरीके से करते थे और एक मजाक की बात भी जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इन्होंने जनेजो साहब के हवाले से की थी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपका बेहद शुक्रिया, आपसे इल्तमास है कि आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत मेहरबानी, आइए चलते हैं पीर पगाड़ा साहब और उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है, निशानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस वजह से उनको पगाड़ा कहा जाता है। तो पीर पगाड़ा साहब 22 नवंबर 1928 को सिंध के एक गांव में पैदा हुए। उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 साल होगी जब 1943 को उनके वालिद साहब पीर पगाड़ा शशम को हैदराबाद की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त सैयद सबगतुल्लाह शाह दोम, जो कि पीर पगाड़ा शशम के नाम से जाने जाते थे, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 35 बरस थी। उनका कसूर यही था कि वो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे और अपने मुजाहिदीन और अपने जो हुर जो हैं वो हुरों के पेशवा और इस तरह उन्हें कहा जाता है, उनके साथ मिलके वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। यही बात और उनको पसंद ना आई जिस पर उन्हें फांसी दे दी। उसके बाद फिर इनके पूरे ख़ानदान को कराची के बंद रोड में अपर मीर खुदाबख्श तालपुर साहब की रहायशगाह पर इनको नज़रबंद रखा। फिर इन दोनों भाइयों को जला वतन कर दिया गया और इनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। यहाँ पर काबिले ज़िक्र ये बात आपसे करते चलें कि मर्दान शाह जो इनका पहले इनका जो असल नाम था वो था पीर सिकंदर शाह, फिर अलमरूफ पीर मर्दान शाह के नाम से मशहूर हुए और फिर ये चलता चलता सिलसिला ये यहाँ तक पहुँच गया और इस वक्त पीर पगाड़ा साथ हुए और अब इनके बेटे हैं जो कि उनका नंबर 8वां बनता है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम कि बरतानिया में फिर जब ये कैद जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ पर जो लोगों को जलावतन करके रखा जाता था, जिन बच्चों के ज़ेन वाश किए जाते थे, वहाँ पर फिर इनको भी रखा कि इनका ब्रेन वाश किया जाए ताकि ये भी हमारे साथ मिल जाएं। मगर इनकी खुशकिस्मती कि जल्द ही पाकिस्तान बन गया और लियाकत अली खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कावशों से ये पाकिस्तान वापस आ गए और तमाम जायदाद जो इनकी जब्त की हुई थी वो इनको वापस मिल गई। वापस आकर ये फिर सियासत में बड़े ही मुतहरक हो गए और सिकंदर मिर्ज़ा से कहा कि आप ये सिंध के बेटे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, इनको अपनी कैबिनेट में ले लें। तो ये पहली बार इनके कहने पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी कैबिनेट में लिया। फिर उसके बाद 1965 में इन्होंने मोहतरमा फातिमा जना साहिबा का साथ दिया जबकि अयूब खान साहब के खिलाफ खुलकर ये सामने आए। उस दौरान फिर मोहतरमा ने एक सियासी पार्टी बनाई मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम से, जो के ताहयात फिर उनके जो पहले सदर थे वो पीर पगाड़ा साहब सैमन ही थे और फिर ताहयात वो रहे, अब उनके बेटे जो हैं ये हैं उनके सदर। तो इनकी मजाक की हिस बड़ी शानदार थी, ये सियासत में उतार चढ़ाव को बड़ी गहरी नज़र से देखते थे। जब भी मार्शल लॉ लगना होता था
तो ये कहते थे कि मुझे बूटों की आवाज़ सुनाई देती है। मजाक की इसके हवाले से बात कर रहा था कि कहता कि मैंने बात कर ली है कि मुझे ये जो मोहम्मद खान जी ने जो साहब हैं ये वापस जिंदा चाहिए। और एक बार ये कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला बने और इन्होंने एक सख्त स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से आला अहकाम जो उस वक्त बरसर इकतदार थे असल में वो इनसे नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को काशन दे दिया कि आप बंदे इकट्ठे करें और अदम इतमाद लाएँ, मगर इनको जल्द ही नवाज शरीफ साहब को भिनक पड़ गई और ये पिंडी चले गए और मिन्नत समाजत की और इनकी वजारत आला बच गई। इस मौका पर पीर सबकतुल्ला या पीर मर्दान शाह या पीर जैसे कह लें कि पीर पघाड़ा साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि नवाज शरीफ की बोरी में सुराख हो गया था और उससे दाने बाहर आ रहे थे, मैंने उस बोरी को सी दिया है, अब वो बोरी बच गई, यानी कि दोबारा इनकी वजारत आला बच गई। ये था इनका जो बड़ी गहरी नज़र रखते थे सियासत पर और इनके जो आला अहकाम हैं कि उनके साथ भी बड़े शानदार वाबत थे और इसी वजह से ही अंदर की खबरें अक्सर बता देते थे। अगर इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कोई इनके रिश्तेदारों का जिक्र किया जाए और इनको पघाड़ा क्यों कहते हैं तो वो भी ये फिर 10 जनवरी 2012 को इनका लंदन में इंतकाल हो गया। ये अलील थे, राशिदी सिलसिले के दो बेटे थे, एक को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो निशानियां थी, एक को झंडा अता किया गया था और एक को दस्तार। दस्तार को सिंध में पघाड़ा कहते हैं, पघाड़ कहते हैं, दस्तार कहते हैं, और जबकि दूसरा झंडा था। दोनों बेटे एक पीर झंडा और दूसरा पीर पघाड़ा के नाम से मशहूर हुए और यूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी इनके पास उनकी निस्बत से फिर ये पीर पघाड़ा साहब कहलाने लगे। इनका ख़ानदान के हवाले से ज़िक्र किया जाए तो इन्होंने कोई दो शादियां की और चार बेटे हैं। जो इस वक्त सबसे बड़े बेटे हैं वो इस वक्त जो मौजूदा पीर पघाड़ा साहब हैं वो हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के ये खालू थे और जो इस वक्त वज़ीर के यूँ कह लें कि इसके स्पीकर सिंध असम्बली हैं आगा सराज दुरानी साहब, जो उनकी मिसिज़ हैं वो इनकी बेटी हैं, जबकि अहमद महमूद इनके भांजे हैं और जंगी तरीन इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी जो बनी है अभी हाल ही में, जो उनकी मिसिज़ हैं जंगी तरीन साहब की, वो भी इनकी भांजी हैं। तो ये था अहवाल पीर पघाड़ा साहब का कि वो पघाड़ा क्यों क्यों कहते हैं और जो पार्टी मोहतरमा फातिमा जना ने मनाई थी उसके ताहाल ये वारिस हैं। अब इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन नए वीलॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, खुदा हाफ़िज़।